जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विरगो के बारे में, यानी कन्या राशि के सितंबर का महीना कैसे रहने वाला, कैसी रहेगी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रेम की स्थिति, स्टूडेंट की स्थिति, नौकरी वालों की स्थिति, व्यापार वालों की स्थिति और लव कपल की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। लगन गति बुध विराजमान है, लेकिन बुध मौसमी बीमारियों के कारक भी होते हैं, तो हल्की फुल्की ENT की प्रॉब्लम 3-4 दिन आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ सितंबर के महीने में आपकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होने के योग बनते हैं, यानी खान पीन के हैबिट में, रूटीन में चेंज आ जाएगा, और आपके ऑफिस जाने के रूटीन में या काम करने के रूटीन में चेंज आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो सितंबर के महीने में हो रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, तो चंद्र और केतु का संयोग सितंबर में धन भाव में बनने जा रहा है, यानी कि दो जगह से आपके पास धन तो जरूर आएगा कन्या राशि वालों, लेकिन इस समय इस महीने आपके पास टिकेगा नहीं। पहला आपको धन मिल सकता है विदेश से या दूर से के लेन देन से आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा, आपको आपके किए गए इन्वेस्टमेंट बैंक की FD से भी धन प्राप्त होगा, और धन देखा जाए तो माता पिता पे या घर के काम पे खर्च भी सितंबर के महीने में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक माता पिता को हल्की चोट लगने की या माता पिता सर्वाइकल कमर दर्द की परेशानी से सितंबर के महीने में ग्रसित रह सकते हैं, और 21 तारीख से 30 सितंबर तक नॉर्मल है, यानी 1 तारीख से 20 तारीख तक माता पिता के लिए समय अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए संतान के बारे में, तो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए तो संतान में सितंबर के महीने में आलसपन रहेगा, संतान जो है काम में लेजी रहेंगी, काम को टालते हुए दिखेंगी, झूठ ज़्यादा बोलेंगी, ऐसा योग नज़र आएगा, यानी बहाने पे बहाना बनाएंगी। तो कुल मिला के सितंबर का महीना संतान के लिए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, कहीं ना कहीं काम टालने वाला, आलसी पल वाला रहेगा। और मित्रों, एक और बार कह रहा हूँ, अगर कन्या राशि वालों को अपने बारे में और डिटेल में जानना है, जीवन के बारे में जानना है, तो वो वीडियो हमने पहले ही बना दी है कि क्यों दुखी रहते हैं कन्या राशि वाले और उनके गुण क्या है, उनके अवगुण क्या है, कब उनका भाग्योदय होता है, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। वो आपको मंत्री राशि फल से पहले मिल जाएगी। आप थोड़ा नीचे की ओर जाके आप अगर इसको यूट्यूब में स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उसी तरह से फेसबुक में भी आपको मिल जाएगी। मंथली राशिफल से ऐसे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये महीना देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक बुरी आदतें विद्यार्थियों में बढ़ सकती है, झूठ अधिक बोलेंगे विद्यार्थी, बुरी संगत या बुरे दोस्तों के साथ में समय बर्बाद करने वाले हैं, तो विद्यार्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना है वो आप बर्बाद करने वाले हो। इसी तरह से अब नौकरी वालों के बारे में बात करें तो नौकरी वालों के लिए ये जो सितंबर का महीना दो भागों में बढ़ जाता है। पहला, 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक कार्य में रहेगा विघ्न, कार्य में रुकावटें रहेंगी, काम में आप कोई ना कोई, कितना भी आप सजग करके काम करें लेकिन काम में कोई ना कोई गलती रहेगी, जिसलिए आपको सुननी पड़ेगी ऑफिस में। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक नॉर्मल है, यहाँ पर आपकी स्थिति थमने में आती है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो आप सितंबर का महीना आपके पार्टनर के करियर में वृद्धिदायक रहेगा, यानी कि आपके पार्टनर को करियर से संबंधित कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। बात करें पति और पत्नी के बारे में तो घर के अंदर पूजा पाठ के योग नज़र आ रहे हैं, पति पत्नी या परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्राएँ सितंबर में बन रही है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उन लोगों के बारे में जो अपना व्यापार करते हैं, जो अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनके लिए ये जो सितंबर का महीना है अच्छा और बुरा दोनों ही रहने वाला है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक देखा जाए तो काम थोड़ा धीमा धीमा ही रहेगा, और 16 तारीख से 30 सितंबर तक देखा जाए तो फिर काम में वृद्धि हो जाती है। नया कोई प्रोजेक्ट, नया कोई काम, नया कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपको सितंबर में मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।